राम करोली बाबा का ही आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई, तो मैं इसीलिए यहाँ आना चाहती थी। यहाँ का लोगों का तो अलग अलग ही है, उत्तराखंड के ही लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं, पहले से ही पता है, और यहाँ नैनीताल आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहे का, जो कि नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंची हैं। लवलीना ने यहाँ करीब 2 घंटे तक बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यहाँ ध्यान भी लगाया। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताने वाली लवलीना का कहना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से पहले उन्होंने बाबा नीम करौली का स्मरण कर प्रतिभाग किया और उन्हें एहसास हो गया कि बाबा की भक्ति में शक्ति है, तब उन्होंने यहाँ आने का संकल्प लिया। बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ और अब बाबा के दर्शन और उनकी शक्ति से वह स्वर्ण का लक्ष्य लेकर मेहनत करेगी। दरअसल नैनीताल के निजी होटल में लवलीना बोरगोहे ने कहा कि नैनीताल उन्हें बहुत अच्छा लगा, मैंने इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण के लिए बेहद चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भविष्य में बाबा के आशीर्वाद से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अभी उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में ओलंपिक क्वालिफाई करना है। बता दें कि वो अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन को पहुंची हैं। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के बारे में भी बहुत सी अच्छी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि फाइनल जीतने से पहले कहा था कि वो जीतने के बाद बाबा और काशीनाथ के दर्शन को जाएगी, उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो अब नीम करौली बाबा के दर्शन को पहुंची है। दरअसल आपको बता दें, लवलीना बोरगोहे असम की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। वो देश के लिए पदक जीत चुकी हैं। 2020 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली वह छठी महिला हैं। जी हाँ, लवलीना ने भारत के लिए 2018 में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप और 2019 में कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहे ने दिल्ली में हुए प्रथम भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में लवलीना ने भारत के लिए खेलते हुए कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली वो तीसरी भारतीय मुक्केबाज और दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, बाबा नीम करौली के भक्त हर जगत से जुड़े हैं, चाहे वो क्रिकेट जगत से हो, राजनीतिक हो, देश विदेश हर जगह से है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज का लगातार आना जाना है। आपको बता दें कि बाबा का नाम लेकर अपनी खराब परफॉर्मेंस के बाद जलवा बिखेरने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी कैची धाम में मत्था टेकने पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ उनके बाद लगातार ऐसे ऐसे चेहरे यहां पर आ चुके हैं जो जाने माने हैं, तो बाबा की महिमा अपरंपार है। तो क्या कुछ कह रही है भारतीय मुक्केबाज लवलीना, सुनिए। आज मैं नैनीताल पहुंची और नीम करौली बाबा के मंदिर दर्शन करना था और मम्मी पापा के साथ आई हूँ, और यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब इतना सुंदर जगह कभी नहीं देखा, बहुत बहुत सुंदर है यहाँ, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सब इतना मतलब हर तरीके से हेल्प करते हैं, और यहाँ का लोगों का तो अलग अलग ही है। उत्तराखंड के ही लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं, पहले से ही पता है, और यहाँ नैनीताल आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से पहले ही सोचा था कि मैं राम करौली बाबा के मंदिर में आऊँ और काशीधाम में मैं आऊँ और आशीर्वाद लेके जाऊँ कि मेरा आगे का जो जर्नी है अच्छा हो और मैं जो मेरा सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का वो पूरा कर पाऊँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती। तो राम करौली बाबा का ही आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई, तो मैं इसीलिए यहाँ आना चाहती थी।